दोस्तों आज हम जानने वाले मुरुड जंजीरा किले के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और वहाँ कैसे पहुँचे। जंजीरा किला जो कि कोकण महाराष्ट्र के अरबियन समुद्र पर स्थित है, वहाँ पहले बेट हुआ करता था। उस बेट पे कुछ कोड़ी रहा करते थे, उन कोड़ियों का प्रमुख राम पाटिल थे। उसके बाद पीरिम खान वहाँ पे एक शराब व्यापारी बनकर आया और उसने धोखे से सभी कोड़ी लोगों को मार के वहाँ कब्जा कर लिया। उसी बेट पे आगे चल के सिद्धियों ने किला बनाया और उसका नाम जंजीरा महबूब रखा। जंजीरा किले में 572 तोफा और 19 बुरुज है। 330 वर्ष तक जंजीरा को कोई भी जीत नहीं सका, इसलिए उसे अभेद्य जंजीरा भी कहा जाता है। फिर 3 अप्रैल 1948 में स्वतंत्र भारत में उसमें शामिल कर लिया गया। वहाँ का आखिरी सिद्धि मोहम्मद खान था। अब हम जानते हैं जंजीरा किला कैसे आए। जंजीरा किला आने के लिए आपको सबसे पहले मुंबई या पुणे आना होगा। मुंबई पुणे आने के लिए आप अपने खुद की कार या ट्रेन या प्लेन से भी आ सकते हैं। मुंबई से जंजीरा तक की दूरी 152 किलोमीटर है और पुणे से जंजीरा तक की दूरी 161 किलोमीटर है। मुंबई पुणे से आपको अलीबाग या रोहतक आना होगा। अगर आप अलीबाग आते हैं तो आप अलीबाग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अलीबाग और जंजीरा की दूरी 54 किलोमीटर ही है। जंजीरा किला जाने के लिए आपको 5 जगह से बोट मिलेगी, दिघी, मांजरी, श्रीवर्धनम, दिव्यघर और राजपुरी गांव बेट। राजपुरी गांव से आप जंजीरा जल्दी पहुंच सकते हैं। जंजीरा जाने के लिए सबसे पहली बोट सुबह 8:30 बजे से शुरू होती है और आपको 45 मिनट तक का वक्त दिया जाता है जंजीरा किला घूमने के लिए। अगर समंदर की लहरों की उछाल थोड़ी कम रहे तो आप घोड़ा गाड़ी से भी किले तक जा सकते हैं, लेकिन इसके चार्ज थोड़े ज़्यादा रहते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।